खंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री कर्ण सागर प्रभु जी के प्रेम भक्ति संबंध भाइयों, हम प्रभु के चरण में बैठकर सत्संग अर्चना करते हैं और प्रभु जी का जो उपदेश है योग उसी पर चर्चा करते हैं। बहुत लंबे ऐसे हो रहे हैं। प्रभु जी संसार के अंदर युग युग में अवतार लेते हैं, क्यों पथ भ्रष्ट जनता को सन्मार्ग पर सत्पथ पर चलाने के लिए, क्योंकि पथ भ्रष्ट होने पर इस जीव का बड़ा हानि होती है। हम मनुष्य हैं परंतु ये जो कुछ हम दिखलाई देते हैं वो नहीं है, हम इससे भिन्न हैं और हम इस जीवन के अंदर पथ भ्रष्ट हो जाएंगे तो आगे बहुत खतरा है। तो इसलिए वो भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म का कोई भूल जाते हैं तो हम आकर उनको धर्म का उपदेश करते हैं। धर्म वो चीज है जो मनुष्य को सपोर्ट देती है, धारण करती है, और बिना सहारे के तो मनुष्य गिर जाएगा। धर्म का ही तो सहारा है, अन्यथा जीव जो है पता नहीं कितना गिर जाए। और इसलिए कहते हैं भगवान के जो तुम हो, जो सदा से हो और सदा रहोगे, वो गिरने ना पाए। गिर गई तो पता नहीं कहाँ कितनी गहराइयों में चली जाएगी। वो गीता का श्लोक वही है जो भगवान कहते हैं, उद्धरे आत्मा ना आत्मनम, अपनी आत्मा को ऊंचा उठाओ, ना आत्मनम अवसादित, आत्मा को गिरने ना दो। गिरी हुई आत्मा अत्यंत अधोगति को, अत्यंत दुखों को प्राप्त करती है, और उद्धृत हुई आत्मा बहुत ऊंचाई को चली जाती है, मोक्ष तक चली जाती है। पर करना किसने है, स्वयं उद्धृत आत्मन आत्मनम, अपने खुद उठाओ, खुद गिरोगे। क्यों कि जिस धर्म है, धर्म एक सहारा है, इस सहारे को त्याग दोगे तो गिर जाओगे, इसका सहारा लेकर ऊपर उठ सकते। तो उस धर्म का उपदेश करने के लिए समय समय पर अनेकों उनके उपदेश हैं। आज पर जो आए हैं वो सनातन धर्म जो योग है उसको आप देखते देते हैं, योग करो, क्योंकि योग द्वारा ही तुम उस भगवान से युक्त हो सकते हो जो तुम्हें ऊपर उठाएगा, जहाँ तुम्हें पहुँचने हैं। उसके बिना तो उससे अलग हो जाओगे, अयुक्त हो जाओगे, सहारे से गिर जाओगे। तो धर्म हो या योग हो, बात एक ही है कि योग के अंदर धर्म आते हैं। दो प्रकार से प्रभु ने हमें ये शिक्षा दी है, एक है राजयोग, एक है हठ योग। राजयोग को बहुत लंबे अरसे तक हम विचार लाए योग दर्शन का, और आज हठ योग का कर रहे हैं, कोई देर से कर रहे हैं। एक एक साधन है, बहुत साधन है, और वो ऋषियों की चीजें हैं जिनको हम भूल चुके हैं। अगर ये भी देखें कि उस भूले हुए योग को पर मिलाए, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन मैं इस योग को सतयुग में मनु को दिया था, वो भूल चुके हैं, फिर मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये मनुष्य की बुद्धि जो है ये भटक जाती है, भटकी बुद्धि को अगर भगवान आए तो
आत्मा का उद्धार होगा। राजयोग में दो ऐसे शब्द हैं जिनको कभी नहीं भूलना चाहिए, उनको भूल गए तो नष्ट हो गए। और आज हम उसका कई बार देखते हैं कि मनुष्य नाश की तरफ जाता है उनको भूलकर। दो शब्द रामनियम से आते हैं और उन दो शब्दों को कभी नहीं भूले, पर उनका उपदेश है। एक है अस्तेय और दूसरा अपरिग्रह। अस्तेय का मतलब है कभी चोरी मत करो, और अपरिग्रह का मतलब कभी अपव्यय ना करो। उस चोरी का धन कमाकर कभी अपना फजूल खर्च ना करो, क्योंकि जो चोरी का धन होगा फजूल खर्च जाता है। अपग्रह, ऐसा धन संचित ना करो जो तुम्हें गलत मार्ग पर ले चले, और ऐसा भी ना करो कि तुम चोरी और परिग्रह अपनी ग्रह दोनों कट्ठे चलते हैं, बहन भाई है। ये जो चोर है वो चोरी के धन पर अपना अपव्यय करता है, और उसका उसको कोई विचार नहीं होता। आज इस वक्त तो प्रभु अगर ये उपदेश कर रहे हैं योग का, तो इसीलिए कर रहे हैं। आज जरूरत है, आज हम चोरी करके उस चोरी को कहा रखे वही अब परिग्रह करते हैं, फजूल खर्च करते हैं। ऐसा धन संचय न करो जो चोरी का है, अब इसको अपरिग्रह है। सादगी से रहो, आराम से रहो, परंतु अगर चोरी का धन करेंगे तो कहाँ खर्च करेंगे, बड़ी फिर पड़ के दिखावा आ जाता है। सादगी में रहती, अगर सादा जीवन हो तो सुख है, अगर दिखावे है तो दुख होगा। आज हम प्रसाद के साथ एक पत्रिका मिलेगी जिसमें यही लिखा है कि हम सादगी से रहें, दिखावा ना करें, पर दिखावा करना पड़ता है जब हम चोरी का धन लेते हैं, तो क्या करें उसको। एक आदमी अपने परिचित है, उसने करोड़ों रुपए चोरी के थे उसके पास, करोड़ों रुपए, क्या करें, खा तो सकते नहीं, दिखावा। उसके बच्चे 25-25 लाख तो चले बच्चों की शादी में खर्च कर दिए, कुछ तो मत हुए, मकान था सारा गिरा दिया, देखा अच्छा मकान गिरा दिया, और नया जो है उस जैसा नहीं है, परंतु खर्च तो करने, चोरी का धन खर्च तो कहीं करना पड़े, दिखावा, और दिखावा कर मैं बड़ा अमीर हूँ, मैं शादी इतने खर्च किए, चोरी और अपरिग्रह से बचो। अस्ते होते ना चोरी करना, और अपरिग्रह होते ना दिखावा करना। और इससे क्या बनता है, जीवन में शांति, स्वास्थ्य नष्ट, चिंता रहती, और परलोक गया, जीवन भी गया परलोक भी गया चोरी से, और परिग्रह से क्या हुआ, मिला क्या। पर भी कहते हैं देखो यमुनी कहते हैं ये दो बातें बस याद रखो, चोरी ना करो और सादा जीवन बताओ,
आज हम सादा जीवन बनाए, जिसमें चोरी का धन होगा, फजूल का धन होगा, वो गलत खाएगा, गलत पिएगा, गलत आचरण करेगा। आज तो आज के समाज में के लिए ही उन्होंने लोग लाया, परंतु ये भी साथ कहा कि अपना घर खुद ही करना, कोई नहीं आने करेगा। चोरी व्यक्ति की होती है, किसी भी चोरी हो, चाहे सोसाइटी की हो, सरकार की हो, किसी की हो, चोरी चोरी है। पर वो चोरी का जो धन होता है फलता नहीं है, खराब होते हैं। क्यों ना हम उससे बचे? योग करते हैं तो ये राजयोग ये कहता है कि चोरी मत करो, और ना चोरी करोगे तुम्हारे पास उतना धन होगा जितना तुम्हें चाहिए, ज्यादा होगा नहीं। फिर शराब कहाँ से पियोगे? और 25-25-30 लाख रुपया शादी में कैसे खर्च करोगे? फिर ऊंचे ऊंचे महल कैसे बनाओगे? और ठीक रहोगे, जीवन ठीक रहेगा, चिंता से बचोगे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो योग जहाँ मन के लिए है वहाँ शरीर के लिए भी, स्वस्थ रहना है तो चोरी मत करो। और एक धर्म और धर्म का ये भी है कि ये धर्म से मनुष्य को सुख मिलता है और धर्म से दुख मिलते हैं, इस लोक में भी परलोक में भी। ये जीवन का एक नक्शा बनाना पड़ेगा हमें, नहीं तो ये परलोक लोक तो गया, परलोक भी चला जाएगा। अब आगे भी देखना, जो केवल तंग दृष्टि वाला होता है वो अब किस होता है, जो दूरदर्शी है वो आगे भी सोचते हैं। हमारा जो योग है या धर्म है वो क्या काम कर रहे हैं भाई? मैं दान पुण्य कर रहा हूँ, आगे जाकर अच्छा जन्म मिले, ये धर्म यही कहते हैं। पर दान पुण्य करते हो तो उसके पूरा ज्ञान होना चाहिए ना। अब गीता पढ़े, उसमें तीन तरह के दान भी दिए, सात्विक दान, राजसिक दान, तामसिक दान। तामसिक हमेशा चीज खराब करती है, दान भी कई बार तामसिक होता है। हम अगर चोरी के धन से मंदिर बनवा दें तो आप वो पढ़ाने रामायण के अंदर भूतों का मंदिर तो साव लिया वो भाई, उसमें मंदिर तो है लेकिन देवता नहीं है, उसे भूत है। चोरी के धन से बने हुए मंदिर में भूतों का घर बन जाते हैं, और चोरी के धन से बने हुए घर भी सुखदायी नहीं होते। एक वैसे जो चोरी का ना हो उसे बनी हुई कुटिया भी सुखदायी होगी, और चोरी के धन से मनवा माल भी दुखदायी होगा, बीमार रहोगे और पता नहीं क्या कुछ हो गया कि भगवान को पता है उसको क्या सजा देनी है, उसके द्वारा ही उसको कहां पर दुख देना है। तो एक तो ये अस्तेय का गण है, तभी का राजयोग में पालन करना चाहिए, हम कोई भी चोरी ना करें। परंतु ऐसी ऐसी चोरियां आज बनी है, मैं कुछ चीज खरीदता हूं तो मेरे से तो सेल से लिया जाता है, परंतु चोरी जिनको जिसको है उसको ही देते, जो सेल से लिया है मेरे से लिया जाता है, पर वो है किसका, देना नहीं आगे हड़प गया, वो चोरी क्या होगी? और इस तरह क्या आगे कहीं आज तो छोटे छोटे शहरों में रोज की कितना चोरी हो रही है, और उसके करोड़ों रुपये जमा हो जाते हैं चोरी के, वो फिर बीमारियों में निकलेंगे, दुखों में निकलेंगे,
उद्धार नहीं होगा। तो ये प्रभु कहा चोरी मत करो, असुते सुते मत चोर। तो जो चोरी करता है वो स्तेन है, और स्तेन होता चोरी न करना। और परिग्रह होता है फूल खर्ची करना, और अप्रिग्रह होता है संभाल के रखना, थ्रिफ्टनेस। ये बड़ा गुण है। तो अब हमें इस मार्ग पर चलना चाहिए। आज खन्ना जी ने एक पत्रिका छुपाई है, किस तरह हम सादा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अगर हम सादगी से न रहेंगे तो सोसाइटी में क्या होगा, असमानता पैदा हो जाएगी। आज असमानता से कुछ आदमी चोरी करते हैं, कुछ नहीं करते, असमानता होगी। और सोसाइटी हमारी समाज के अंदर कला क्लेश है, क्या इस कला क्लेश को दूर कैसे कर सकते हैं, चोरी ना करें। नहीं तो नतीजा क्या होता है, नतीजा होता है मारकाट, डर, भय, लूट मार। तो ये योग जो आपने सिखाया इस वक्त, इसकी बड़ी जरूरत है। और दूसरा जो हार्ट योग है उसकी उससे भी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पता नहीं आज कुछ जीवन ऐसा है उससे मनुष्य का जीवन बहुत दुखी है, हर एक बीमार है। कुछ मनुष्य का खुद का कसूर है और कुछ मूर्खता का कसूर है जो समाज में है। उसने बताया था मैंने, एक मनुष्य मूर्ख मनुष्य एक वृक्ष काटने चला गया अपने काम के लिए लकड़ी लेने, तो जिस टहनी पर बैठे उसी टहनी को काट रहे, किसी का गिर जाओगे, क्योंकि वो टहनी उसका सहारा है। आज हमारा सहारा क्या है, पांच तत्व का हमारा शरीर बना हुआ है और पांच तत्व में बाहर से मिलते हैं। अगर बाहर से पांच तत्व गंदे मिलेंगे तो हमारे शरीर के पांच तत्व खराब हो जाएंगे, कहाँ के रहेंगे। इसीलिए आठ योग बनाया प्रभु जी ने, कैसा मिलो गीता में लिखा है, ये जो पांच तत्व हैं ये पांच देवता हैं, अग्नि देवता, पृथ्वी देवता, वायु देवता, इन देवताओं को प्रसन्न करो, गीता का श्लोक है, और ये तुम्हें ठीक रखेंगे, काम खत्म हो गए। कितनी ज्ञान की बात है योग के अंदर। जल शुद्ध रखोगे स्वस्थ हो गए, वायु शुद्ध रखोगे स्वस्थ हो गए, तुमने वायु शुद्ध रखी वायु ने तुम्हें शुद्ध स्वस्थ रखा, तुमने जल शुद्ध रखा जल तुम सका। पांच देवताओं को आप पूजा करो, पांच देवता तुम्हारी पूजा करें, ये गीता का। और वेदों में भी ऐसा ही है, ये वेद और गीता दो चीजें नहीं, एक ही चीज है। वेदों का ज्ञान ही गीता में दूसरे शब्द में आ गया, और गीता का ज्ञान ही रामायण के दूसरे शब्द में आ गया। शब्दों का भेद है, ज्ञान तो भैया ज्ञान तो दो होते नहीं, ज्ञान तो एक ही है। शब्दों का वेद क्योंकि मनुष्य की जबान बदलती जाती है, वेद की भाषा और गीता की भाषा में फर्क है, वो पुरानी भाषा है थोड़ी, और ये आज की भाषा, पुरानी पंजाबी और आज की पंजाबी से फर्क है ना। आज कैसे गहनों पहनो, पहले कैसे टूमा पहनो, टूमा गहनो कैसे आपको समझे, इसकी टूमा बड़ी अच्छी बहुत सी है समझे कोई नहीं। अच्छा गहरे कितने इसके बातें शब्द बदल जाते हैं भाषा के साथ, तो वेदों की भाषा बदल गई, गीता में दूसरी भाषा, गीता की भाषा पुरानी हो गई, अपने गीता की भाषा और है, आगे जाके पता कौन सी भाषा है, पर ज्ञान नहीं बदलेगा। तो हठ योग का है कि हम अपने जल वायु आकाश पृथ्वी शुद्ध रखें, आज अज्ञानता वश हम उसको बिगाड़ रहे हैं। शरीर के बाहर के सुख देखते हैं, शरीर का स्वास्थ्य नहीं देखते। अपने
सुख बनाने के लिए हम वायु खराब कर रहे हैं, कई सुख बनाने के लिए हम पृथ्वी को खराब कर रहे हैं कि हमें बहुत खाने को मिलेगा, तो खाने को मिलेगा पृथ्वी गंदा कर लो, खाने का मुझे मिलेगा वो बीमार कर देगा। तो हमें अपने स्वास्थ्य का, शरीर का भाषण में ध्यान रखना होता है कि अब पर तो ये रख नहीं सकते। देखो जैसे आज चोरी से नहीं बच सकते, सारे चोर हैं कौन बचे, और दिखावे से नहीं बच सकते। हम कहते हैं फिर देखो फिर कोई घर में है विवाह, कोई घर में है, इसको ड्रामा ना बना लो। लड़की लड़के में है नहीं, हमें तो सर्कस बनाना है, इसको ड्रामे की तरह बनाना है। एक लड़का आदमी था, जैसे उसने किया ना उसे दुगना में करूंगा दिखा चोर, तो कहा लेकिन मैं भी कुछ हूं, क्यों चोरी का धन है। तो आज लोग वातावरण को तो नहीं शुद्ध कर सकते आप, क्योंकि ये वातावरण तो आज इतने इतने बड़े लोग बड़े नेशन कर रहे नहीं कर सकते। आप कैसे कहेंगे कि तुम हवा को गंदा ना करो, जब गंदगी जा रही है हवा के अंदर, गैसें जा रही हैं, बिखराई रहती, तो कैसे कैसे हम नहीं कर सकते उसको। और हम जल को नहीं शुद्ध कर सकते, सारा जितना उस फैक्ट्रियों का गंदा जल है पश्चिम जा रहा है। उस दिन आएगा फिर हमारे गांव के अंदर कौन था नजदीक की गई, हमारे गांव के पास एक शराब की फैक्ट्री बन रही है और हमारा पानी गंदा हो गया कांगड़े के अंदर, कांगड़े के अंदर नंगे गगन के पास ही शराब की फैक्ट्री बन रही है, तब से बनी हमारे जल के अंदर हो गया। क्यों कि जो उसका गंदी चीज है ना उस पृथ्वी में दबा देते हैं, या पृथ्वी पानी हमारे पानी के अंदर डाल देते हैं, हमारा पानी जमीन का भी गंदा हो गया। अब वो क्या कर सकता, हमारे क्या कर सकती, हमारे बस से बाहर हो गई कई बातें। और कहते हैं जब उस फैक्ट्री से निकलते हैं इतनी गंदी बदबू आती है, और वो गंदी उनको आती है वो हमारे तक पहुंच जाती है सूक्ष्म रूप में, पता तो सारे आकाश में बहुत भारी है। और इस तरह की एक नहीं सैकड़ों हजारों दृष्टि जो जमीन के पानी को गंदा कर रही है, वो पानी बीच में जाता है जमीन के जो रस रस का वो गंदगी दबाते हैं वो नीचे जाती है, तो हमारे जल के साफ रह सकते। बड़े बड़े शहरों में तो होता है जैसे जाने का नीचे का पानी गंदा है, पर वही पानी हमारे तक भी पहुंचते ना, वो नीचे की नहरें चलती है पानी की। और ये एक शहर की नहीं, ये दुनिया भर की बात है। दुनिया भर की गैसें हवा में जा रही हैं, दुनिया भर की गंदगी जमीन के नीचे जा रही है, और पानी भी गंदा हवा भी गंदी, तो ये सब कुछ जो हो रहा है इससे हम हमारा वश की बात नहीं सुन। इसके बस की बात है कि सारी दुनिया को नुकसान होगा। लेकिन प्रभु ने कहा अगर ऐसे मौके पर तुम्हें आठ योग भी जा सकते हैं, अगर हमारे दिन रात बैठे गंदी बाज आ रही है, फेफड़े खराब हो रहे हैं, तो प्राणायाम से कुछ फर्क पड़ सकते हैं, पूरा फर्क नहीं पड़ेगा, गंदी में क्या फर्क पड़ेगा। इसमें आवाज शुद्ध नजर आ रही है पर शुद्ध नहीं है, इसमें पता नहीं क्या पाए तुमसे। हम खाना खाते हैं, दूध पीते हैं, दूध में पता नहीं क्या है, फलों में पता नहीं क्या है, जमीन को इतना गंदा कर दिया जहरीले चीजें डाल डाल कर कि जमीन ही खराब होगी। और वो अगर जो जमीन में डालते थोड़ा खा लेंगे मर जाएंगे, मगर वो फल के द्वारा मर जाते हैं, मरते नहीं, धीरे धीरे मरेंगे, लाकर नहीं मरेंगे, धीरे धीरे मरेंगे, और हमारा जो है स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, उम्र कम हो जाएगी, दिल कमजोर हो जाएगा, और अंग खराब हो जाएगी, धीरे धीरे मरेंगे ना स्लो डेथ। तो ये इसलिए हम आज के संसार में जहाँ उधर
राजयोग की इतनी खराबी हो रही है, महाराष्ट्रयोग के लिए भी हमें बड़ा नुकसान हो रहा है। तो प्रभु जी का उपदेश है कि हम साधन करें, वमन जहर करते हैं, जो अंदर खाने से जहरीली चीजें पैदा हुई हैं, जिनके कारण हमें एसिड बन रहे हैं, जिनके कारण हमारे अंगों के अंदर जहर जा रहा है, जैसे वमन रोज करेंगे कुछ तो साफ होगा। कमरे के अंदर आंधी चलती है, अब कूड़ा करकट आता है, रोज साफ करेंगे तो कभी ढेर तो ही लग जाएंगे, इसलिए हमें आठ योग करना होता है। प्रभु कितने साधन बताए, गिनती नहीं साधनों की, हम साल भर से इन साधनों के चिलकार खत्म नहीं होते बातें, तो हम करें रोज करें। और ये कहा कि करने से काम बनेगा, दूसरे कैसे बनेगा, क्योंकि तो मेरा नाक खराब है, जुकाम लगता है, तो आपके कहने से तो मेरा नाक साफ नहीं हो जाएगा, मुझे करना पड़ेगा ना, नीति मुझे करनी पड़ेगी। और सिद्ध साधन ऐसे हैं, पेट के साधन हमें करने पड़ेंगे, ये नहीं कि मुझे दूर कर देंगे, वो तो मैंने ठीक करनी है ना, पेट का कोई भी बीमारी हो मैंने खुद ठीक करनी है, और उसके लिए आठ के साथ में जो कुछ सिखाया हम खुद करें। और इसी तरह अगर हमने वो नहीं करता नीति ना करें तो मैं तो करूँ, और भाई वो चोरी करता है तो जरूर मैं चोरी करूं, मैं ना करूं। चोरी तो आज अरबों रुपए की रोज हो रही है, अरबों रुपए की, और उस चोरी का फल जीवन दुखी, जीवन दुखी, कोई शुक्रिया है परिवार चोरी के कारण सब दुखी। हमें चोरी बड़ी जबरदस्त बुरी काम है। तो अब हम आठवीं के ऊपर राजयोग का प्लान करें। हम आजकल आठवीं के ऊपर जो व्रत करते वो कर रहे थे मुद्रा के ऊपर, मुद्रा खत्म होने वाली है, मैंने इतनी मुद्रा हम शास्त्र के अनुसार मुद्रा बताए कि मुद्राओं के कितने गुण होते हैं, अब खत्म होने वाली एक दो मुद्रा बाकी है। तो मुद्रा का पूरी मुद्रा का एक श्लोक है शास्त्र के अंदर, मुद्रा में कब हमारा अध्यात्म की तरफ भी जाती है, लेकिन शरीर की तरफ मुद्रा का लाभ है। उस श्लोक में शास्त्र में लिखा है कि देखो कितना उन मुद्राओं का फायदा होगा। पर मुद्रा का एक बात है मैं बताया, मुद्रा कोई आसन की तरह नहीं कि पाँच चंद मिनट करो ठीक है, मुद्रा का बारे है कि जो मुद्रा को सिद्ध करनी है पाँच घड़ी तो दो घंटे का अभ्यास करना पड़ेगा, इसलिए हम नहीं कर सकते, परंतु ज्ञान भी होना चाहिए। और अगर उतना नहीं कर सकते पूरा फायदा उठाएंगे तो फिर कुछ तो फायदा हो जाता है, अगर 15 मिनट भी करेंगे शायद हो जाएगा, इसलिए मुद्रा छोड़ने वाली चीज़ नहीं है। अब जैसे अश्विनी मुद्रा बताई मैंने पीछे, अश्विनी मुद्रा घोड़े से ली गई है, जानवर से ली गई है, बहुत सारी मुद्रा जानवर से ली गई है, हमने जानवर से ज्ञान लिया है, क्योंकि जानवर जो है उनकी कुदरत सिखलाती है, घोड़े कुदरत से सिखाया, हम उसने कुदरत से फायदा तो हम भी करें, हम यत्न से करते हैं और कुदरत करते हैं। उसके कई मुद्दे हैं जो नाम है प्रकृति का और उनको जानवर के प्रति सिखाया। अब हम देखो पेट को साफ करते हैं डर से, कुत्ता जो है वो भी पेट को साफ करता है, वो लीर खा लेते हैं और बुद्ध निकाल लेते हैं, तो हमने देखा हम भी ऐसा करेंगे, हम शुभ प्रचार करेंगे। ये सारी चीजें हमने जानवर सीखी हैं, पर जानवर से एक चीज नहीं सीखी, जानवर भूख बैर नहीं खाते, भैंस है आप कितना भी अच्छा चारा डालो, कुत्ते का पर कुछ अच्छी भी डालो, मिठाई भी डालो, कोई जानवर नहीं खाएगा। भाई ये भी जान से सीखे कि भूख बैर नहीं खाए, हमारे साथ गुड़ आ जाए वो भी खा लेंगे, बर्फी आए वो भी खा लेंगे, जरूरत नहीं है, और कोई चाय दे वो पी लेंगे। तो ये तो जानवर ने सीखे, तो योगी ने जानवर सीखा, योगी ने सीखा है ना, योगी ने ये भी सीखे, योग में लिखा है कि आधा हिस्सा पेट का भरो खाने से, चौथा हिस्सा पानी से, और चौथा हिस्सा खाली रहने दो,
किसी भी जानवर को डायबिटीज नहीं होती, किसी भी जान को पित्त की पथरी नहीं होती। मनुष्य बोले क्यों? वो खाता बहुत है। मैंने समझा कि इसका कारण क्या है, जब पेट ठसाठस भरा जाता है ना, तो पित्त का जो इंसुलिन है वो पेट में जाती नहीं, तो क्या रास्ते नाली बंद हो जाती है और बंद पेट में बंद हो जाती है। शुगर जो है बेजाल नहीं हो सकती, शुगर शक्ति नहीं मिलती, शरीर कमजोर हो जाता है और खून में शुगर कच्ची शुगर जाने लगती है। पर खम खाओ, पित्त की पथरी में तैयार कैसे होती है, बहुत खाते हैं, पित्त में से रस निकलता है खुराक को पहुँचाने के लिए, वो रुक जाता है और रुका रुका वो पथरी बन जाता है, पित्त के पेट की पथरी होती है। कम खाओ ना, जानवर से तब सीखे, पर हम नहीं सीखते, जो सीखते बचे रहते। जो साधु महात्मा लोग एक बार ही खाएंगे पेट भर के नहीं खाएंगे, थोड़ा खाएंगे या दो बार खाएंगे थोड़ा खाएंगे, बड़ी लंबी उम्र उनकी होती है। जानवरों के कभी कभी जानवरों के जो अस्पताल हमने बनाया है ना, जानवर तो नहीं बनाए, जानवर एक हमने मुर्गे मार दिए, इतने लाखों मुर्गे मार दिए, अगर वो मुर्गे जंगल में होते कभी ना मरते। मनुष्य ने कहा इनका बोझ तोड़ के बेचने, मोटे हो जाए, मोटे मोटे ने ज्यादा खिला दिया, ज्यादा खिला दिए, बस एपिडेमिक बन गया, बीमारी बन गई। ये मनुष्य ने अपने आप को भी खराब किया, जानवरों को भी खराब किया। तो भाई हमने जानवर से कुछ तो सीखे, और आज मैं एकदम मुद्रा बताऊंगा 5 मिनट के अंदर, तो खत्म होने वाली एक मुद्रा। मैं तो जो मुझे कुछ नहीं आता तो लिखा पढ़ देता हूँ, उससे कोई थोड़ा बहुत ज्ञान आपको मिलता, मुझे मिलता, मैं पढ़ता हूँ। तो वो भी देखो एक जानवर की मुद्रा है, वो क्या है, शास्त्रों को पढ़ो कुछ हम सीखे। देखो आज जो मुद्रा है वो कबर से सीखी है, ये काकी मुद्रा। अब क्या काकी मुद्रा है, कबर क्या करता है, कबर की चोंच होती है ना, हम भी अपने उसे चोंच की तरह काग चंचु आसीन प्रवेत वायु शनेश। अब पानी पीते हैं, हवा भी पीनी है, हवा के अंदर भी ताकत होती है, अगर वो पेट के अंदर फेफड़े जाती है, पेट के अंदर जाएगी, पेट भी उसे कुछ प्राप्त करेगा। कि कब्बे की चोंच के भ्रमणाकर ऐसे धीरे धीरे हवा पीते चले जाओ, ताकि धीरे धीरे इसलिए कि वो पेट के अंदर दूर तक जाएगी, जाकर वहां पर ये कुछ अपना काम करेगी, पेट को शुद्ध करेगी, पेट को शक्ति देगी। तो उसे काकी मुद्रा कहते हैं। काक चंचु वद आसीन, कव्य की चोंच के समान मुख द्वारा पिबेत वायु, हवा को पियो शनई शनई धीरे धीरे, मैंने कि फटाफट पी लो, दूर तक नहीं पेट में जाएगी और आपको सांस रुक जाएगा। काकी मुद्रा भवेत एषा सर्व रोग विनाशिनी, इससे तुम्हारे कई रोग दूर हो गए। पेट के अंदर से जब हवा जाएगी, हवा कई जो खराबियों को जला देगी, हवा बहुत काम करती है। कहते इससे काकी मुद्रा परा मुद्रा, ये एक महान मुद्रा है। मुद्रा में देखा, मैंने कहा मुद्रा एक बार नहीं, घंटा दो घंटे करते रहो पेट में पता नहीं कितनी शक्ति पैदा हो जाएगी। मुद्रा जो है 2.5 घंटे के लिए होती है, 5 घड़ी तक सारी मुद्राओं के लंबा अर्सा, पर थोड़ा करेंगे तो थोड़ा कुछ तो पता लगेगा, लेकिन अगर पूरा फायदा उठाना है तो लंबा अर्सा करना पड़ेगा। काकी मुद्रा परा मुद्रा सर्वे तंत्र सुगुप्ता, सारे कहते ग्रंथों में इसको लिखा गया है, सारे ग्रंथों ने इसकी, क्योंकि योगी ग्रंथ बहुत हैं, हम तक थोड़े पहुंचे क्योंकि नष्ट हो गए, जो पहुंचे 5, 10, 22 उन सब में इसका विधान है। अस्या प्रसाद मात्रे इसके लाभ होगा,
काक वा निर्जोग वेत, जिसका कौवा निरोग रहता है तुम भी निरोग रहोगे। कभी देखा कभी को बीमारी, कोई कौवा बीमारी नहीं होता, हम भी नहीं बीमार होंगे, पेट शुद्ध साफ रहेगा। तो ये मैंने आपको एकाकी मुद्दा बताई, हम जो मुद्दा बताते हैं आप थोड़ा बहुत उनका आचरण में लाते हैं, कोशिश करें सीखने की, टाइम भी लगाएं, परंतु ये है कि करने से लाभ होगा, हमारे समय नहीं निकालते। हम ये कहते हैं कि, और हम कराते भी हैं जो योग अधिक सुबह आते करने, उनको कहते हैं बस घड़ी देख कर, घड़ी देख एक घंटे का पीरियड है, एक घंटा लगा घर में, तो एक घंटा लगाएगा नहीं कहते आते, तो एक घंटा इसके लिए रखो, नहीं पति फजूल कामों के लिए रख लेते हैं घंटा दो दो घंटे भी, लेकिन योग के लिए रखेंगे, उसका फायदा हो बहुत होगा। समय अगर एक घंटा है तो उसके लाभ इतना होगा कि बीमारियों के अंदर जो हमारे साल लग जाते हैं वो बच जाएंगे। लाभ तो होगा, एक घंटे में कितनी कमाई कर ली हमारे लिए। तो इसलिए हम ये है कि हम एक मुद्रा का आय की है, तो काकी मुद्रा कौवे की मुद्रा हम करें देखें, जितना समय लगाए पेट के कई रोग दूर हो जाएंगे। और साफ लिखा है कि तुम्हारे कौवा जैसे निरोग रहते हैं, हम भी कौवे हो गए, परंतु आगे बताना, अगले लोग बताएं कि जनरल मुद्रा में इसने कहा है कि शरीर के मुद्रा से हमें बहुत लाभ होता है, शरीर पूरा ठीक रहता है। बोल श्री सच्चिदानंद महाप्रभु।